अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चिकन नगट्स, जो घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरा चैनल लाइक और शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो चलिए आप शुरू कर लेते हैं। ये चिकन का कीमा है, इसमें ये ब्रेड है तकरीबन 3 से 4 अदद जो मैंने बारीक बारीक की है, इसको इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमने ब्रेड डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा 1 चम्मच। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच ये सोया सॉस जाएगा। और 1 से 1.5 चम्मच ये इसमें चिली सॉस जाएगा। इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ये काली मिर्च जाएगी। आधा चम्मच नमक आपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएं। 1/3 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हमने जो कीमा आधे घंटे के लिए रख दिया था, अब इसके हम इस तरह छोटे थोड़ा थोड़ा लेके तकरीबन इतना इतना इस शेप के हम इसके नगर्स तैयार करेंगे, जैसे कि बाजार में ही मिलते हैं। हम गोल नहीं करेंगे। आप चाहो तो गोल भी कर सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह आपको सही लगे। लेकिन मैं थोड़ा जो इसको ना शेप दे रही हूँ, वो जैसे कि बाजार की लुक होती है बस वैसे ही। इस तरह मैं ये सारे बना लूंगी। कीमा देखिएगा बारीक होना चाहिए, मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, तभी इसके जो है ना नगर्स अच्छे बनेंगे। ये हमने सारे बना लिए हैं इस तरह के शेप देके। और ये एक अंडा है जो मैंने फेंक लिया। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये थोड़े मोटे मोटे हैं, ये मैंने खुद ही मोटे मोटे रखे हैं। इसके साथ ये ऐसे ही जो है ना अच्छे लगते हैं। तो अब यह इसे पहले अंडे में डिप करेंगे। फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। अच्छे से कोट करें। ये सारे तैयार हो गए हैं, अब इनको हम जो है ना डीप फ्राई करेंगे। यह ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, इसमें हम ये डीप फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको हम बारी बारी की
इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको हम इसकी साइज जो है ना वो चेंज करते हैं। ये हमारे नगेट बन के तैयार हो गए हैं। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी अच्छी लुक है, बिल्कुल बाजार जैसे हैं। इनका टेस्ट भी बिल्कुल बाजार जैसा है। इनको केचप के साथ आप सर्व करें, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप बना के दे सकते हैं। बच्चों को ऐसे भी बहुत पसंद होते हैं। इसे हम बना के तो इसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं, कम से कम 2 महीने के लिए इसे हम फ्रीज कर सकते हैं। एक हम आपको यहाँ पे काट के दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अपने दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।